एड मनी है ना, यहाँ एड मनी दबाना है, एड मनी पे दबाना है इसे, डेबिट और इस पे दबाना है। यहाँ पे प्लस वाले ऑप्शन को दबाना है। ये मेरे पास एक एटीएम है, ख़राब है, ठीक है ना, ये पड़ा हुआ है, इसका ही मैं डालूँगा। तो एटीएम का होता क्या है, इसमें जो नंबर है ना, जो ये 4 4 8 4 12 4 16, ये 16 अंक का नंबर ऊपर डालना है, ठीक है। फिर नाम डालना है, जो भी आप कार्ड होल्डर का नाम है, एटीएम पे जो नाम है। एक्सपायरी का इसमें महीना डालना है, महीना, और ये एक्सपायरी का इसमें साल डालना है, ठीक है। और CVV जो होता है एटीएम के, जो पीछे 3 अंक का कोड लिखा रहता है, 3 अंक का कोड यहाँ डाल के सेव कार्ड पे कर देना है, ठीक है। बस इतना ही है, यहाँ सेव कार्ड पे कर देंगे, कार्ड आपका सेव हो जाएगा। तो मैं सेव कार्ड करके आपको बताता हूँ फिर पैसा कैसे लेंगे। जब सेव कार्ड हो जाएगा तो ऐसा आ जाएगा, यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे फिर से जो CVV है, पीछे 3 अंक का जो बताया हूँ, वो यहाँ डालना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ डालने के बाद से यहाँ पे अमाउंट, कितना अमाउंट लेना है, और ये कन्फर्म पे क्लिक कर देना है, ठीक है ना। उसके बाद से जब कन्फर्म पे क्लिक कर देंगे तो आपके बैंक की तरफ से OTP आएगा, वो OTP जो है डालना है, आपका पैसा ऐड हो जाएगा। बहुत सिंपल है, ठीक है। तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना।